हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आर ऑल फाइन। एंड आज मैं करने जा रहा हूँ स्टडी विद मी व्लॉग। हाँ, मैं स्टडी विद मी व्लॉग शॉर्ट्स में तो कर चुका हूँ, बट आई वांट टू ट्राई इट लॉन्ग फॉर्म। ओके, सो आज का जो व्लॉग होगा पूरा स्टडी विद मी होगा व्लॉग। आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, नहीं है, मैंने खुद की है छुट्टी। आवाज़ सुनाई दे रही है? LPG गैस ले लो हरियाँ। अरे नहीं, हरियाँ आते ताजियाँ सब्जियाँ ले लो, बंद गोभी पत्ता गोभी। बस कर यार, कब जाएगा यार ये गाजरा, बैंगन, साग, पालक, शलगम। शुक्र हो गया। तो गाइज, मैंने बनाए हैं स्टडी व्लॉग, बट वो शॉर्ट्स में होते हैं। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ लॉन्ग फॉर्म। एंड आज नहीं, मैं आगे भी ट्राई करता रहूँगा लॉन्ग फॉर्म। क्यों? क्योंकि मेरे प्री बोर्ड आ रहे हैं और मेरे को ये नहीं पता है कि प्री बोर्ड की डेट शीट क्या है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में है। स्टेट बोर्ड में बहुत टाइम लगता है डेट शीट मिलने को। CBSE की तो आ भी गई टाइम, अपना तो कुछ पता भी नहीं है, तो हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है, वरना फिर 5-6 दिन पहले ही पता लगता है कि हाँ पेपर आ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दो। तो वैसे मेरे आज का टारगेट है कि मेरे को SST पढ़नी है, ऑल्सो मैं साइंस मैथ भी पढ़ूंगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। मैं 8:40 पे उठा था एंड अब 9:30 हो चुके हैं, सारा स्किन केयर हेयर केयर हाथ मुंह धोने में खाना बन रहा है, उसे खाते हैं, देन शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। गाइस, देखा तो मैंने सिर्फ 10 मिनट, बट इस सारी चीज़ को सेटअप करने के लिए ये कभी मैंने यही भी देखा, क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही हॉटस्पॉट लेता हूँ, बट मैंने मोबाइल यहाँ नीचे रखा हुआ था, लेकिन चलता यहाँ ऊपर है, तो थोड़ा टाइम लग गया। पहले नहीं चला था, बाद में चल पड़ा था, फिर मैंने कंटिन्यूसली 10 मिनट्स देखा, खाना भी ख़त्म हो गया, ख़त्म तो कम हो, मेरा पेट भर गया, तो बस अब मैं SST शुरू करने वाला हूँ। अरे 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 यार, आवाज़ सुन करो यार। तो गाइज, मेरे स्कूल तो रेगुलरली चलते हैं, बट आज मैं नहीं गया हूँ और ना ही आगे जाऊँगा, क्योंकि मेरे स्कूल में सारा सिलेबस ख़त्म तो नहीं हुआ है साइंस का, बिकॉज और वैसे भी तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया है। तो मेरे स्कूल में वैसे सिलेबस सब ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का ख़त्म हो चुका है, एंड वहाँ पर सिर्फ रिविजन चलती रहती है। तो ना मैं सोचता हूँ कि मेरे स्कूल जाने से ना मेरा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उसके सिवा अगर मैं आज घर पे बैठूँ तो मैं पूरी रात या फिर पूरी शाम है ना पूरा दिन पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने छुट्टी कर ली है और मैं आगे भी करता रहूँगा। आज दिसंबर की 20 तारीख है एंड मैं दिसंबर की 24 तारीख से छुट्टी करूँगा, मतलब 4 छुट्टी करूँगा है ना, जा नहीं है, 4 छुट्टी करूँगा, क्योंकि 4 छुट्टियों 24 के बाद है ना मेरे होने वाले हैं 7 दिन के छुट्टियाँ पड़ेंगी, वेकेशन, मतलब कह सकते हैं ब्रेक मिलेगा हमें स्कूल से न्यू ईयर के लिए, हमें 7 दिन का ब्रेक मिलेगा। उसमें ब्रेक क्या होता है, स्कूल वाले इतना होमवर्क जो देते हैं, तो लेकिन हाँ 7 दिन का ब्रेक होता है एंड मैंने 4 छुट्टियाँ भी कर ली है, तो मैं छुट्टियों में आराम से पढ़ सकता हूँ। हेलो गाइस, बस एक बात बतानी थी कि लगभग मैंने अभी टाइमर चेक किया, 2 घंटे 18 मिनट हो चुके हैं मेरे को पढ़ते पढ़ते, मैंने ये नहीं देखा मैंने कब स्टार्ट किया और कब ख़त्म किया। हाँ, बट 2 घंटे 18 मिनट हो चुके हैं, बट अब फील हो रहा है कि आई कैन स्टडी अ लिटिल बिट मोर। मैंने ना हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे वो नहीं पढ़े थे, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, बट दोनों चैप्टर के मैंने वेरी लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हैं। मम्मी ने कुछ काम बोल दिया है तो पहले वो करके आते हैं, कह रहे हैं बल्ब चेंज करना है। इस रूम में तो लाइट भी नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पे। नहीं कुछ नहीं है, आप नहीं समझ रहे, पुराना वाला 5 वोल्ट का था, ये कितने का है ये दिख नहीं रहा, ये थोड़ा बड़ा वाला पता नहीं कितने वोल्ट का है, उसमें से लाइट कम आ रही थी। अब ये वाला मैंने उतार दिया है, ऑन कर रहा हूं मैं ही। उफ, लाइट ही लाइट। लाइक सब्सक्राइब कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो। मैं YouTube देखूंगा, थोड़ा सा रख लेते हैं अराउंड 20 मिनट लेते हैं, काफ़ी हो रहा है, 20 मिनट काफ़ी हो रहा है। अगर मेरा मन भरता है 10 मिनट में, वैसे कभी भरा नहीं 10 मिनट में, मन भरता है अगर 10 मिनट में तो बंद कर दूंगा, वरना 20 मिनट खींचूंगा मैक्स टू मैक्स, बस बाय। गाइज, 20 मिनट पूरा था मैक्स टू मैक्स,
40 मिनट हो चुके हैं फ़ोन देखते देखते, शॉर्ट्स ऐसे उतनी गाइस 40 मिनट तो हो ही गए हैं। बट चलो ज़्यादा कुछ रिग्रेट नहीं क्योंकि मैंने सुबह से कोई ब्रेक नहीं लिया था, अभी ले लिए तो बात एक ही हुई। SST पढ़ने का मेरा मूड नहीं है अभी। हाँ अगर मैं पढ़ने लग पड़ा, कहते हैं ना कि बस 2 मिनट और पढ़ लो बाकी तो बस अपने दिमाग आपको कराई देगा, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली। मैंने मन बना लिया है मैं करूंगा साइंस, साइंस में भी फिजिक्स। मैंने स्पेशली फिजिक्स इसलिए चुनी बिकॉज फिजिक्स मेरा न्यूमेरिकल्स जो थे वीक हैं। अच्छा पढ़ने से पहले इसे भी और इसे भी साफ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो पहले से साफ कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको मेरे नंबर देखने हैं ऑफ क्लास 9, कितने परसेंट स्कोर किया है और मेरे कितने मार्क्स हैं, मेरे ग्रेड कितने हैं। मैं ना अपना IT का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरी मैम चाहती कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए और ये मेरे को मिले मेरे भाई के रूम से। मेरे भाई का दिमाग देखो, ताकि मुझे ना पता चले इसने इसका हुलिया ही बदल दिया है। ये दिमाग है छोटे भाइयों का, मान भी सकता है हुलिया बदल दिया ताकि बोले ये बहुत पुरानी है मेरे को खरीदी है और यहाँ मैं इतने सालों महीनों से ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिली थी और ये रही इतनी बची हुई, मरी गई है इतनी थी इतनी हो गई। गाइज स्टडी टेबल तो साफ कर लिया लेकिन उस स्टडी टेबल को साफ करने में मेरे को लिटरली 17 मिनट लगे। गाइज इतना मेरा मैस मचा हुआ था इस स्टडी टेबल के ऊपर कि उसको साफ करने में 17 मिनट निकल गए। एंड फिर मेरे को मम्मी ने कुछ काम बोला, अब मैं काम करने जा रहा हूँ खेत में, मम्मी भी आ रही हैं पीछे पीछे। आ चुका हूँ खेत से, अभी टाइम हो रहा है 4:24 इफ यू कैन सी। तो 4:24 हो गए, आई डोंट नो मैं कब गया था बट हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, थक भी बहुत गया हूँ। थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। गाइस खेत से घर पे तो आ गया था बट मम्मी ने फिर काम दे दिया कि घास भर और नीचे फेंक दे, मतलब हाँ मतलब नीचे फेंक दी भर के, है ना। तो मैंने घर पे आके पहले अपनी लोअर चेंज किया बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लग गई थी एंड मैं फिर फटाफट छत पे आ गया ताकि मैं ये सारा जो घास है वो नीचे फेंक सकूँ इसमें भर के, ताकि नीचे वो ये घास मेरी मम्मी जानवरों को डाल दी, जानवर मतलब हमारे जो पशु हैं उनको डाल दी उनके खाने के लिए। हाँ जी गाइस एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हो गया है मुझसे। एक्चुअली मैं बताता हूँ मैं कर क्या रहा था। लुक ये अलमारी यहाँ पे है ना, मैं ना इसको यहाँ पे थी पहले, मैं इसको ऐसे पुश कर रहा था इस यहाँ तरफ से, तो जब मैं पुश कर रहा था ना तो ना यहाँ पर कुछ ना आवाज़ें आ रही थी नीचे। मैंने कहा टायर के नीचे कुछ फंसा होगा, मैंने नीचे चेक किया कुछ भी नहीं था। मैंने और जोर से पीछे से धक्का दिया और बताऊँ क्या हुआ, ये दिख रहा है ये ऊपर से तो निकल ही गया था अंदर से एंड देखो ये यहाँ से पूरा टूट चुका है। मैं इसे उठाऊंगा ना, ये देखो टूट गया है, यहाँ बस टिकाया हुआ है। तो अब बहुत हो गया, फिजिक्स का शुरू भी कर लेते हैं, कितनी देर से कह रहा था फिजिक्स शुरू करते हैं। अब जाके टाइम अगर मिल ही गया है तो इन सब कामों पे ना टाइम वेस्ट करके फिजिक्स शुरू करते हैं। यार मुझे तो लगता है भगवान ने चाहते कि मैं फिजिक्स पढूं क्योंकि मेरा स्टाइलस नहीं मिल रहा। 5 मिनट से लगातार ढूंढ रहा हूँ मेरे को स्टाइलस नहीं मिल रहा। यार ये पहले बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, ये मैं कहीं रह गया था फिर मैं भूल जाता हूँ। कभी कभार तो इसके पीछे होता है जो इसके मतलब टैबलेट के नीचे चिपकाने वाला होता है ना, वहाँ पर रखा होता है ना। एक बार पहली बार वहीं पर घूमा था, फिर मैं पूरे घर पर देखा, छत पर देखा, हर जगह देखा तो मेरे को नहीं मिला। फिर मैंने जब इसको ओपन किया ना तो उसके नीचे से निकला था, बट आज मैंने इसके नीचे भी देख लिया, बेड के नीचे भी देख लिया, हर जगह देख लिया तो मिल नहीं रहा। मैं अगर स्टाइलस नहीं मिला तो मैं कैसे पढ़ूंगा, पेन का उपयोग कर सकता हूँ लेकिन हाँ स्टाइलस ढूंढना भी इंपॉर्टेंट है तो पहले भी स्टाइलस से ढूंढना पड़ेगा। नहीं मिल रहा तो फिर भी ढूंढना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर होगा, दो दो जगह रखी हुई हैं, इसको जरा खोलते हैं अच्छे तरीके से एंड झाड़ते हैं, शायद उसमें से निकला है। गाइज मेरा हमेशा ही पोपट होना होता है, मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैंने सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया था मैं कहा इसके नीचे होगा, देखो ये जगह देख रही है
यहाँ पर नहीं, फिर मैं बेड पे जा गया, हर जगह देखा, हर जगह देखा। निकला था कैसे, कहाँ पर? अभी मैं ना ये बुक बंद करने आया था, ये वाली, तो मैंने ना इसको हटाया, इसको यहाँ रखा, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर इस बुक को ऐसे करके बंद किया, तो ये यहाँ निकला छुपा रुस्तम। सारा मूड खराब कर दिया पढ़ने का, क्या करें, छोड़ नहीं सकते गाइस। प्री बोर्ड आने वाले हैं, नंबर कम आएंगे, पढ़ना, चलो शुरू करते हैं पानी पी के। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, ये कर रहा हूँ मैं लाइट चैप्टर के, क्योंकि मेरे को, मैंने पहले भी ट्राई किए थे तो पहले नहीं बनते थे, लेकिन हाँ इस बार ट्राई कर रहा हूँ तो बन रहे हैं। आप सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करूँगा। मेरे पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, एंड मैं उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, ताकि थोड़ा सा मेरा 100% श्योर हो जाए कि हाँ कि इलेक्ट्रिक ये लाइट चैप्टर मेरे को पूरी तरह आ गया है। गाइस लगभग 1 घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं मुझे लाइट के क्वेश्चंस लगाते हुए। तो गाइस ये न्यूमेरिकल्स करते करते मेरे दिमाग में एक ट्रिक आता है, कहते हैं ना साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, लेकिन मैंने न्यू ट्रिक नहीं है, जो डिफॉल्ट चली आ रही है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हर बनाइए, वो है पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। ये थोड़ी सी फनी वाली है, थोड़ा आपको याद भी रहेगी, 9th वालों 8th वालों को समझ नहीं आएगा, लेकिन जो 10th में उनको समझ आ जाएगा, एंड जिनको समझ आएगा वो कमेंट ना करें, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करो तो मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। मेरी राजगद्दी बस बन ही गई है, अब मैं यहाँ पे बैठूंगा यहाँ पर, एंड नीचे से वो उठाकर ऊपर अपने ऊपर ले लूँगा, इसकी वजह से मैं जो हूँगा पूरा ढक जाऊँगा और मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। मैं दिखाता हूँ मैं कैसे करूँगा, देखो अब देखो मैं यहाँ बैठ चुका हूँ, पीछे मेरी वो है कंबल, अब मैं नीचे से कंबल उठा रहा हूँ और अपने ऊपर रख रहा हूँ, एक साइड उठा लिया है, अब दूसरी साइड वाला, अब पैर के नीचे आ गया, दूसरी साइड वाला भी ये उठा लिया लाइक दिस। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? तो मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के पास, ये बिल्लू आ गया। तो गाइज पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा वाली ट्रिक बताकर मैं छत पे चला गया था थोड़ा सा टहलने, लेकिन वहाँ पे इतनी ठंड थी कि मैं फटाफट नीचे आ गया, एंड मैंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बनाकर मैं यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पीडब्ल्यू पे कोई क्लास नहीं, हाँ बट मैं रिवीजन के लिए यूट्यूब पे एक लेक्चर देख रहा हूँ फिजिक्स का, मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, तो वो भी मैंने ख़त्म कर लिया है। मैं अभी फिजिक्स वाला का मॉड्यूल तो है ना मेरे पास, इस मॉड्यूल में से अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, जितना मैंने पढ़ा है वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:12, कल जो आज मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है 8:02, बट अभी बजे हैं, अभी हुए हैं 9:13, एंड मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे 9 या फिर 10 बजे तो नींद आती नहीं है, अगर मैं 11 बजे सोने की कोशिश करूँ मेरे को नहीं आती, क्योंकि मैंने रोज आदत डाली हुई है 12 बजे सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ, तो नींद नहीं आ रही है। तो अभी या तो मैं पढ़ लूँ या तो मैं यूट्यूब देख लूँ। अब भाई यूट्यूब देखना Not good for now. Editing जरूर कर सकता हूँ। By the way, जो मैंने 8:02 पढ़े थे उसमें मेरे 6:02 सेल्फ स्टडी थी, एंड बस 2 घंटे की क्लास थी, जो कि 2 घंटे 16 मिनट की थी, 46 मिनट की थी, एंड मैंने 2 घंटे में खत्म कर दी 1.5x, इतने मर्जी एक्स पे देख लो। 10 बज गए लगभग, एंड मैं अभी यूट्यूब देखने लगा हूँ।